हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से रिलेटेड, या इसको आप पैटर्न सीरीज भी कह सकते हैं या नंबर सीरीज भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको पता करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। पहला कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दो नंबर पैटर्न को फॉलो करना है। एक तो है 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 15 हो रहा है, 15 के बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क जिसका आंसर आपको बताना है। उसके बाद चेक करने के लिए आपको यहाँ पर 35 दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग से पूछा जाता कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो इसका आंसर क्या होता। तो उसमें हम लोग फॉलो करते हैं, 15 के बाद हो रहा है 24, 24 के बाद हो रहा है 35, 35 के बाद हो रहा है 48 और 48 के बाद जो भी होगा हम लोग सॉल्व करके इसको चेक करेंगे। और अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और वीडियो में आप लोग के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाई जाए या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं। 15 के बाद हो रहा है यहाँ पर 3 के बाद हो रहा है यहाँ पर 8, तो और 8 के बाद हो रहा है 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के बाद 35। तो अगर हम लोग 3 में +5 कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 8, 8 में हम लोग +7 कर देते हैं तो हो जाएगा 15, 15 में हम लोग +9 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 24। तो ये तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर हो जाएगा 24। चेक करने के लिए अगर हमारा +24 में +11 करने पर 35 आएगा तो हमारा सही, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही सही जा रहा है। तो इसका आंसर तो हमको पता चल गया कि ये है 24। अगर बात की जाए अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो कि है 15 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 35 आ रहा है, 35 के बाद 48 आ रहा है, 48 के बाद आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें भी बस सेम ही पैटर्न हमको फॉलो करना है, बट उसमें हम लोग दो दो के गैप पे प्लस कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 24 आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम +9 कर देंगे तो 24 आ जाएगा, उसके बाद 24 में +11 कर देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, 35 में +13 कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, फिर 48 में हम लोग प्लस कर देंगे 15। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वही यहीं पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो 48 प्लस 15 क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे 6, यानी कि 63 अगर यहाँ पे पूछा जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व कर लेना होता, हम लोग को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह के पैटर्न दिए रहते हैं। तो जैसे जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 और इसका और इसका और ये, उसके बाद हम लोगों ने इसको भी चेक किया। ठीक है, तो हमारा आंसर अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जाएगा 24। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको दिया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण को सही उत्तर आपको बताना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 × 7 ये आ रहा है 32। ठीक है, 9 × 7 आ रहा है 32, अगर 9 और 7 को प्लस किया जाए तो हमारा क्या आता है 16। ठीक है, 9 और 7 को प्लस किया जाए 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 32। तो क्या ये पैटर्न अगले वाले क्वेश्चन में भी, अगले वाले जो दिया हुआ है पैटर्न में फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो 13 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 13 और 7 को प्लस करने पर हमारा क्या होगा, 13 और 7 को प्लस करने पर होगा 20 और फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ रहा है 40।
तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 120 आ रहा है और हमारा आ रहा है 40। यहाँ तो फॉलो हो गया है 32 32, बट यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाया, तो इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, 9 का स्क्वायर कीजिए और 7 का स्क्वायर कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 81 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको जब लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32। 32 हमारा आ रहा है, तो इसको हम लोग आगे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही है या नहीं है। 13 का स्क्वायर किया आपने, आया 169, और 7 का हो गया 49, तो इसको माइनस करने पर 120 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर हमारा 208 आ रहा है, ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है हमारा। अब हमको लास्ट में चेक करना है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं, 19 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, 361 माइनस 11 का होता है 121, तो इसको हम लोग ने माइनस किया, माइनस करने पे हमारा क्या आएगा, 240, ठीक है। तो क्या 240 हमारा किसी ऑप्शन में है, जी हाँ है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी पैटर्न को पता करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, 9 और 7 को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न फॉलो हुआ था, बट दूसरे में वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस से ही ये होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन डी, 240। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस संख्या को आपको पता करना है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 45, 29, 37 और 39। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें दिया है 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है, 22 के बाद जो है आपको पता करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको हम लोग देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो होगा। अगर हम लोग 3 और 3 है, 3 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 6, ठीक है। 3 × 2 = 6, बट यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो होगा, 3 × 2 − 1 = 5, ठीक है, हमारा ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, 5 के बाद आ रहा है 8, ठीक है, 5 तो हमारा आ गया। अब 5 × 2 − 1, 1 नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 5 × 2 = 10, 10 − 2 = 8। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 × 2 = 16 − अब हमने पहले 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, माइनस 3, तो हमारा आ जाएगा 13। अब नेक्स्ट है 22, तो 13 × 2 − 4, तो हमारा आ जाएगा 22। अब उसी तरह 22 × 2 − 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग, और इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दें। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पैटर्न क्या, 3 × 2 − 1, ठीक है, तो 5, 5 × 2 − 2, 8, 8 × 3 − 3, ठीक है, उसके बाद 13 × 2 − 4, उसके बाद 22 × 2 − 4, ठीक है, 5। आपको ये पैटर्न को फॉलो करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को अवलोकन कीजिए और बताइए किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है, इसके साथ आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए जैसे भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको बस देखना है कि डिवाइड वाला आपको चेक कर लेना है। अगर डिवाइड पर्टिकुलरली उस नंबर से हो जा रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा आंसर उसी वाले ऑप्शन से निकल जाएगा। तो क्या देखिए, 15 × यहाँ पे 8 × 3 है, यानी कि 24,
24 को डिवाइड करना है 15 से, तो क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला तो हमारा गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 13 को 15 से डिवाइड किया जा रहा है, क्या ये डिवाइड होगा, भाग होगा? नहीं होगा। तो पहला दूसरा तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तीसरा क्या है, 16 × 12 / 8, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, और ये हो गया 24। तो 24 + 13 और क्या दिया, -15, तो ये हमारा 22 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी तो हमारा हो गया सही आंसर। तो क्या, बट हम लोग चेक कर लेते हैं डी वाला, ये डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 16 और ये 12, ये डिवाइड इससे नहीं होगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा बचा क्या, केवल सी। बस आपको डिवाइड वाला चेक कर लेना है, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो आपको उसी वाली लाइन को सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन, इसको आप लोग वेन डायग्राम्स भी कह सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको इनमें रिलेशनशिप पता करना पड़ेगा कि इनका इनसे क्या, किस तरह ये रिलेट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि संसद के अंदर होते हैं कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं कौन, प्रधानमंत्री। देखिए इसकी बात की जाए तो क्या ये तीनों चीज़ें अलग हैं एक तरह से, बिल्कुल अलग नहीं है। क्या दो एक जैसे हैं और एक अलग हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया संसद, उसके अंदर मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके अंतर्गत पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए। अगर आप एग्ज़ाम देते आए हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था रीजनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बस पैटर्न बता दिया था, बट इसका मैंने आंसर नहीं बताया, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।